सो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का पोकेमॉन थंडर में। तो गाइस फाइनली आज के दिन स्पेशल मेगा कोलैबोरेशन वीडियो आ चुका है, पोकेमॉन फैक्ट्स द मेगा कोलैबोरेशन विद मेनी पोकेट्यूबर्स। इस मेगा कोलैब वीडियो में आपको टॉप 20 फैक्ट जानने को मिलेगा इंटरेस्टिंग फैक्ट पोकेमॉन के बारे में, जो की 20 अलग अलग पोकेट्यूबर आपको बताएंगे। एंड ये वीडियो पार्ट 1 वीडियो होने वाला है, जिसमें आपको 1 से लेकर 10 तक फैक्ट जानने को मिलेगा। एंड पार्ट 2 आपको देखने को मिलेगा राइजिंग पोकेट्यूबर के चैनल पे, जिसपे आपको 11 से 20 तक फैक्ट जानने को मिलेगा। तो हाँ गाइस, ओवरऑल स्पेशल मेगा कोलैबोरेशन वीडियो काफी ज्यादा सुपर डुपर यूनिक ऑसम होने वाले है। बस वीडियो के एंड तक देख लेना, एंड अगर वीडियो पसंद आते हैं ऑब्वियसली आना चाहिए, बस वीडियो को एक जल्दी से क्लिक कर देना। एंड अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर देना, साथ में सभी पोकेट्यूबर्स को सपोर्ट भी करना। तो अब फाइनली और ज्यादा बात ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते नंबर 1 के साथ, पैक नंबर 1। तो पोकेमॉन मास्टर टूर्नामेंट में टॉप 8 ट्रेनर्स रहे थे, एंड इनके जो टोटल पोकेमॉन था वो था 36 पोकेमॉन। तो क्या आप लोगों को पता है कि इन 36 पोकेमॉन से ऐसा एक इकलौता पोकेमॉन है जो कि पूरे के पूरे मास्टर टूर्नामेंट के अंदर अनडिफीटेड है। एंड वो पोकेमॉन है एस के पिकाचू, जो कि पूरे के पूरे मास्टर टूर्नामेंट के अंदर अनडिफीटेड है, क्योंकि एस मास्टर टूर्नामेंट के अंदर से टोटल 3 बैटल किया था, जिसमें से एस के पिकाचू उन 3 बैटल में से 6 पोकेमॉन के साथ बैटल किया था, जिनमें से 5 पोकेमॉन को पिकाचू ने हराया है और एक पोकेमॉन के साथ टाई किया है, जो कि था सिंथिया का स्प्रिटूम पोकेमॉन। बट इसको हम टाई नहीं मान सकते, क्योंकि पिकाचू ने पहले ही स्प्रिटूम पोकेमॉन को हरा दिया था। सिंथिया का स्प्रिटूम बाद में जाकर डेस्टिनी बॉन्ड का यूज करके एस के पिकाचू को हरा देता है, और इस तरह से बन जाता है टाई बैटल। बट पिकाचू ने पहले स्प्रिटूम पोकेमॉन को हरा दिया था, इसलिए हमें ये बैटल को टाई नहीं मान सकते। इस मैच को एस के पिकाचू ने जीता था, क्योंकि एस के पिकाचू पहले स्प्रिटूम पोकेमॉन को हरा दिया था। तो इसी वजह से एस के पिकाचू पूरे के पूरे मास्टर टूर्नामेंट के अंदर अभी तक भी अनडिफीटेड है सारे पोकेमॉन में से। एंड फैक्ट नंबर 2 क्या है जानते हो? वो है एस के फेवरेट कलर के बारे में। चलो तुम गेस करो एस का फेवरेट कलर कौन सा होगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे रेड, बिकॉज सरीना के आउटफिट का कलर भी वही है। अरे भाई वो एस के चमे गुरुजी नहीं कि फेवरेट कलर ऐसा होगा। तो एस का फेवरेट कलर जो है वो है डार्क ग्रीन। यही सत्य है, यही फैक्ट है, जानते नहीं थे ना पहले से। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि ऐसा कौन सा पोकेमॉन है जो पोकेमॉन एनिमल सबसे पहले अपेयर हुआ था, कौन सा पहले आया, क्रिएटर्स ने कौन सा पहले बनाया? ये सवाल नहीं है, एनिमल कौन सा पहले दिखा उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ लोग बोलेंगे वो पहला बल्बोसर हो सकता है, क्योंकि बल्बोसर का पोकेडेक्स नंबर 1 है। कुछ ये भी कहेंगे कि वो राइडॉन हो सकता है, लेकिन पोकेमॉन एनिमल में सबसे पहले जो पोकेमॉन अपेयर हुआ था वो है चैरिज़ार्ड, जो आपके जापानीज ओरिजिन के पोकेमॉन के पहले ओपनिंग में देखने को मिल जाएगा। तो फैक्ट नंबर 4 ये है कि क्या आप लोगों को पता है कि जितने भी सोडो लेजेंडरी पोकेमोन हैं, उनमें से एक ऐसा सोडो लेजेंडरी पोकेमोन है जो कि अर्थक्विक मूव को नहीं सीख सकता, एंड वो पोकेमोन है ड्रैगापल्ट पोकेमोन। ये तो बाकी जितने भी सोडो लेजेंडरी पोकेमोन हैं, वो सभी अर्थक्विक मूव सीख सकते हैं, बट ड्रैगापल्ट एक ऐसा इकलौता पोकेमोन है जो इस मूव को नहीं सीख सकता। फैक्ट नंबर 5, तो क्या आप लोगों को पता है कि पोकेमॉन वर्ल्ड में अभी तक सिर्फ 3 ही फायर एंड फाइटिंग टाइप के पोकेमॉन इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, और तीनों ही स्टार्टर पोकेमॉन हैं। और ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि तीनों ही एक जनरेशन के बाद एक जनरेशन हमें इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। सबसे पहले यानी कि जेन 3 में हमें ब्लेजिगन को इंट्रोड्यूस कराया गया था, जो कि फायर एंड फाइटिंग टाइप का पोकेमॉन था, और फिर से जेन 4 में और एक फायर एंड फाइटिंग टाइप का पोकेमॉन इंट्रोड्यूस कराया गया था, जो कि इन्फर्नेट पोकेमॉन था, और फिर से अगेन जेन 5 में और एक फायर एंड फाइटिंग टाइप का पोकेमॉन इंट्रोड्यूस कराया गया था, जिसका नाम एम्बोयर था। तो चलो बात करते हैं, क्या ब्रॉक और मिस्टिक के पास भी सरनेम है? तो जैसा कि तुम लोग को पता होगा, एश केचम का जापानीज नेम है सातोशी, और उसका जो नाम है एश केचम, केचम उसका सरनेम है। तो उसी तरह ब्रॉक का जो नाम है वो है ताकेशी, और ब्रॉक का भी सरनेम है जो कि है हैरिसन, यानी ब्रॉक हैरिसन उसका पूरा नाम हुआ। और अगर बात की जाए मिस्टिक की, तो उसका जो जापानीज नेम है वो है कजुमी, एंड इसी के साथ उसका जो सरनेम है वो है विलियम्स, तो उसका फुल नेम हुआ मिस्टिक विलियम्स। तो यार मैं ज्यादा बकवास नहीं करूंगा, बस मेरा फैक्ट सुनो चुपचाप, वो भी कुमार सानू की आवाज में। तो तो क्या आप लोगों को पता है कि कांटो रीजन में सिर्फ 3 ही ऐसे पोकेमोन है जिनको ड्रैगन टाइप मिला था, एंड वो सभी पोकेमोन एक ही इवोल्यूशन लाइन से बिलोंग करते हैं, एंड वो पोकेमोन है ड्रैगोनाइट पोकेमोन, क्योंकि भाई ड्रैगन टाइप कांटो रीजन के एकदम एंड पर अपीयर हुआ था। तो जाहिर सी बात है
एंड भाई शायद इसी वजह से अब चार्जार्ड एंड गैराडोस को ड्रैगन टाइप नहीं मिला, इसीलिए उनके मेगा एवोल्यूशन में ड्रैगन टाइप को जबरदस्ती घुसेड़ दिया। वैसे सही है, मस्त है, लेकिन ये फैक्ट सन की नहीं था। तो अब भाई फैक्ट नंबर 7 में मैं एक और फैक्ट ऐड कर रहा हूँ, लेकिन यह है तो फैक्ट नंबर 7 का हिस्सा, क्योंकि फैक्ट सन की नहीं था। तो अब सन की सुनो। तो बताओ यार, एस लगातार 2 बार चैंपियन कैसे बना? अब तुम लोग कहोगे सिंपल सी बात है, सरिया ने एस को कार्लोस में किस दिया एंड उसके बाद भाई अलोला और फिर जर्नीस में दोनों में एस चैंपियन बन गया। और मैं फिर कहूंगा अरे नहीं यार, ये झूठ है, असली फैक्ट तुम्हें नहीं पता, मैं बताता हूँ। तो यार इसे तो तुम एकदम बढ़िया से जानते हो, यार पैदा ही लेजेंडरी पोकेमोन्स को पकड़ने के लिए हुआ, वो भी सिर्फ एक नॉर्मल सी पोकेबॉल के अंदर। लेकिन यार मुझे इस बंदे पे शुरू हो सकता, एक दिन ये एस के पास आया और फिर अबे अबे हट, ये कब हुआ? ब्रो ये हुआ नहीं, ये कराया गया है, वो भी पॉकी फैंस के द्वारा, ताकि एस भी इतना पावरफुल हो जाए कि नॉर्मल पोकेमोन से किसी बड़े से बड़े पोकेमोन को हिला कर रख दे। बट नाउ अभी हाल फिलहाल में ट्विटर पे बहुत ही तेजी से एक खबर फैल रही है, जिसमें साफ साफ पॉकी फैंस बता रहे हैं कि ये जो बच्ची है वो एस की बेटी है। लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं पता चला कि आखिरकार एस की शादी किससे हुई है। अरे अरे एक सेकंड, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? अभी तेरी तो फैक्ट नंबर 8। तो क्या आप लोगों को पता है कि एक ऐसा कैसा भी दिन जिस दिन लेजेंडरी पोकेमोन म्यूटू का बर्थडे माना जाता है, मतलब कि उस दिन यार उसको बनाया गया था एंड उस मतलब उस दिन उसको मैन्युफैक्चर करा गया था एंड यार उसी दिन उसका बर्थडे मनाया जाता है। तो गाइज आपको पता है कि वो एक आर्टिफिशियल पोकेमोन है, कैसे ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है म्यूटू जो आपको पोकेमोन की मूवी 1 में देखने के लिए मिला था। तो गाइज इसका बर्थडे गाइज 6 फेब को आता है, मतलब कि गाइज अभी 1 फेब है एंड सभी को हैप्पी न्यू ईयर एंड यार 1 महीने बाद हमारे म्यूटू का बर्थडे होने वाला है। फैक्ट नंबर 9। सो गाइस एक ऑसम सी थ्योरी है जो कि कहती है कि वोल्ट्रॉन एक पोकेबॉल है जिसे हॉन्टर ने बनाया है। तो अगर आप एक पोकेबॉल को लोगे और उसमें हॉन्टर की आइज को फिट कर दोगे तो ये आपको वोल्ट्रॉन जैसा दिखने लगेगा, लेकिन इसमें अभी भी एक बटन बाकी है। लेकिन आगे ये थ्योरी कहती है कि जब हॉन्टर ने वोल्ट्रॉन को बनाया तो हॉन्टर उसी में ट्रैप हो जाता है, इसलिए वो बटन मिसिंग है और वो बार बार एक्सप्लोर करता है क्योंकि वो गुस्सा है कि वो बाहर नहीं आ सकता। है ना ये ऑसम। फैक्ट नंबर 10। तो क्या आप सभी को पता है कि पोकेमोन का नाम ओरिजिनली पोकेमोन नहीं होने वाला था? पोकेमोन का सबसे पहला नाम कैप्सूल मॉन्स्टर रखा जाने वाला था, बट आगे जाकर इसको पॉकेट मॉन्स्टर रख दिया गया। उसके बाद इसी को और छोटा कर दिया गया, जिसे कि हम आज के समय में पोकेमोन नाम से जानते हैं। तो बोनस फैक्ट नंबर 5। आप लोगों को पता है Gen 3 या फिर होइन रीजन एक लौटता है ऐसा रीजन है जहां पर सारे जिम बैजेस का नाम इंग्लिश और जैपनीज में सेम ही रखा गया, यानी कि जेन 3 के अंदर किसी भी जिम बैजेस का नाम चेंज नहीं किया गया है, जो जैपनीज में था वही इंग्लिश में रखा गया है। बोनस फैक्ट नंबर 2। तो क्या आप लोगों को पता है कि सभी फर्स्ट एज स्टार्टर पोकेमोन में चार्मेंडर का नेम सबसे बड़ा है, क्योंकि चार्मेंडर के नेम में टोटल 10 अल्फाबेट आते हैं जो कि किसी भी आने वर्ल्ड स्टार्टर पोकेमोन में सबसे ज्यादा है। बोनस फैक्ट नंबर 3। क्या आप लोगों को पता है यूनोवा रीजन एक लौटा ऐसा रीजन है जिसका पोकेडेक्स उसके किसी भी ग्रास टाइप पोकेमोन से स्टार्ट नहीं होता है, मतलब कि हर एक पोकेमोन रीजन का पोकेडेक्स उसके ग्रास टाइप स्टार्टर पोकेमोन के साथ स्टार्ट होता है, बट यूनोवा रीजन के साथ ऐसा केस नहीं है, क्योंकि यूनोवा रीजन का पोकेडेक्स एक मिथिकल पोकेमोन विक्टिनी के साथ स्टार्ट होता है एंड ऐसा इसलिए क्योंकि विक्टिनी को जेन 4 के लिए डिजाइन किया गया था, बट आगे चल के इसे रिमूव करके जेन 5 में कर दिया गया एंड इस तरीके से विक्टिनी बन जाता है यूनोवा रीजन के पोकेडेक्स का सबसे पहला पोकेमोन। क्या आपको पता दोस्तों कि ऐश कैचम का फेवरेट मूव कौन सा है पोकेमोन के अंदर? तो पोकेमोन एनिमे में ये बताया गया है कि ऐश कैचम का फेवरेट मूव है थंडरबोल्ट, क्योंकि ऐश कैचम हमेशा पिकाचू के ऊपर थंडरबोल्ट इस्तेमाल करता है और कई बैटल में उस मूव से जीता है, इसलिए ऐश कैचम का फेवरेट मूव थंडरबोल्ट है। गाइस आपको पता है कि पोकेमोन में कुछ ऐसी पोकेमोन है जिनका नेम उल्टा पढ़ने जाते हैं तो भी वो सही आता है, लाइक जिराफ रिंग। अगर हम जिराफ रिंग का नेम उल्टा पढ़ने जाए तो वो जिराफ रिंग ही आता है। क्या आपको पता है जिराफ रिंग को अभी जेनरेशन में एक एवोल्यूशन मिला है जो कि फेरीग्राफ। अगर हम फेरीग्राफ का नेम उल्टा पढ़ने जाते हैं तो भी वो फेरीग्राफ ही आता है, इसका मतलब इस एवोल्यूशन चेन के दोनों पोकेमोन का नेम हम उल्टा पढ़ने जाते हैं तो भी वो सही आता है। तो
तो हाँ गाइस, ये था पोकेमॉन फैक्ट द मेगा कोलैबोरेशन विद मैनी पॉकेट उसका पार्ट वन वीडियो में, जो कि आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपके वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करना, साथ में सभी पॉकेट्यूबर्स को सपोर्ट करना एंड सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर सेट कर देना। एंड पार्ट टू को जरूर से देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो कि राइजिंग पॉकेट्यूबर के चैनल पे आएगा। एंड जरूर से कमेंट में बताना कि ये आपको स्पेशल मेगा कोलैबोरेशन वीडियो कमल का वीडियो आपको कैसा लगा। एंड हाँ, फिर दोबारा मिलते हैं और ऐसे ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।